बहुत सारे कानून इम्प्लीमेंट कर रही है, लगभग पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस भी आया कि वो ट्रैफिक के रूल्स के साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो शेयरिंग सिस्टम या आपका जो अवेयरनेस जो का प्रोग्राम चल रहा वो पब्लिक को भड़काने के मानिंद और पुलिस के खिलाफ चल रहा, क्या आपको कहीं नहीं लगता कि सुकून से रहने वाला ट्रैफिक माहौल में कहीं ना कहीं आप खलल डाल रहे हो? अभी देखिए, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ में एक मुहिम चलाई गई थी, तो MBT की तरफ से, अमजद उल्लाह खान की तरफ से सबसे पहले हम थे कि वो ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ में हम तायद करें पुलिस की। अब उसके बाद में देखिए कि अब यहाँ पर ये बात खत्म हो गई कि हम आवाम को भड़का रहे हैं, या हम अगर हम आवाम को भड़का रहे हैं तो आवाम भड़कने वाली कैसी है, ये बोलिए आप। सिस्टम ऐसा बनाएं कि आवाम आपसे नाराज है। प्रीवियस जो TDP गवर्नमेंट थी, चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छे काम किए सिटी में डेवलप करने के लिए, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के उनके जो रेट्स थे, जो चालाना थे, उससे आवाम बदजन हो के आने वाले इलेक्शन में आउट ऑफ 32 सीट्स एक या दो सीट आए उनको खाली, जब अच्छा काम कर रहे थे। तीसरी चीज ये है कि ये जो ट्रैफिक के चालाना का जो हिस्सा है, ये एक दो दिन का नहीं है, मुसलसिल एक साल दो साल से हम पब्लिक में फिरते, हम पब्लिक में जाने के बाद में पब्लिक हमारे को कंप्लेंट कर रही थी कि कॉलेज स्टूडेंट है, उन्हें कॉलेज को जा रहा, कॉलेज से आ रहा उन्हें, उसको आप ऐसे दो दो हजार के दो चालाना डाल रहे हैं। एक आदमी एम्प्लॉई है, उसकी तनख्वाह है 15,000 रुपए, आप उसको 4,000 रुपए चालान डाल दे रहे हैं। कई ऐसे केसेस है कि आदमी हेलमेट पहन के फिर रहा, उसको चालान है, आई एम हैविंग द प्रूफ। और ये देखिए आप के रिसेंटली जो आप ये पॉइंट सिस्टम लेके आई गवर्नमेंट, ये हमारे जो DGP साहब ऐलान करे या कमिश्नर साहब ऐलान करे कि पॉइंट सिस्टम, व्हाट इज दैट पॉइंट सिस्टम, कि अगर आपके 12 पॉइंट एक्सीड हो गए, यानी सिग्नल जब करे तो 1 पॉइंट, हेलमेट नहीं पहने तो 2 पॉइंट, आप ड्रंक एंड ड्राइविंग करे तो 3 पॉइंट, ऐसे अगर 12 पॉइंट आप क्रॉस कर दिए तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा बल्कि। तो ये पॉइंट सिस्टम कहाँ से लाए IPS ऑफिसर्स जाके? दे हैव स्टडीड इन लंडन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यानी डेवलप कंट्रीज में से आप ये पॉइंट सिस्टम लाके यहाँ पर हैदराबाद में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब आप पॉइंट सिस्टम लेके आए, वहां से आते आते थोड़े अच्छे रोड भी लेके आना था, यहाँ लाके डालना था, और थोड़े रोड्स को लाके आप बोलिए हैदराबाद में क्या हालत है। एक तो बारिश, दूसरा हर 10 कदम पे आपको एक बड़ा गड्ढा दिखेगा रोड पे, मेट्रो रेल का काम चल रहा, आप मेरे को बोलिए मौजमजई मार्केट पे आप गुजर सकते हैं, आप मेरे को बोलिए चदरघाट से लेके दिलसु नगर तक क्या हालत है बोलिए रोड पे, पैदल नहीं चल सकते आप। जो ऑफिसर्स ये पॉइंट सिस्टम जो ला रहे हैं, जो ट्रैफिक के चालानात कर रहे हैं, आई अपील देम, रोज सुबह में आप लोग मॉर्निंग वॉक को तो जाते आप लोग, एक दिन हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक दिन हमारे एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक से मैं अपील कर रहा हूं कि आप चदरघाट से लेके दिलसु नगर तक जरा पैदल चल के बताइए, आप मौजमजई मार्केट से चार मीनार तक पैदल चल के बताइए, मौजमजई मार्केट से लकड़ी का पुल तक पैदल चल के बताइए, बंजारा इन। और एक बात, ट्रैफिक पुलिस कब दिखती है आपको सिटी में? बोलिए जजस अगर उतर गए, जजस घर को चले गए तो ट्रैफिक पुलिस भी घर को चले जाते। चार मीनार पे रोज रात में कितनी ट्रैफिक जाम हो रही, फलकनुमा पे कितनी जाम हो रही, चदरघाट पे कितनी जाम हो रही, दिलसु नगर पे कितनी जाम हो रही, टोली चौकी पे, बंजारा इन पे पूरा ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं। और एक सिस्टम ये है कि जो बड़े ऑफिसर्स है, छोटे ऑफिसर सब इंस्पेक्टर्स को, कांस्टेबल्स को, उनको एक टारगेट दे दिया कि एवरी सब इंस्पेक्टर 100 चालान करके लाना रोजाना बोल के, तो वो टारगेट फुलफिल करने के लिए इनोसेंट कई लोगों को आप कैमरे दे दिए, फोटो ले रहे हैं। एक बच्चा जो है, मैंने 2 दिन पहले चालान ला के बताया, मेडिकल हॉल को गया उन्हें अपने बाबा की BP की गोली लेने के लिए, रात में 9:30 बजे गया, एक होमगार्ड पीछे से आके उसकी फोटो ले लिया, फोटो ले लेके उसको चालान डाल दिया, 1,000 रुपए चालान डाल दिया। आप बोलिए क्या कसूर है? बोलिए नमाज पढ़ने के लिए आदमी जा रहा, उसको आप चालान डाल दे रहे, मंदिर को पूजा करने जा रहा, आप उसको चालान डाल दे रहे। तो ये सिस्टम है, हम जो है वी आर नॉट अगेंस्ट एनी सिस्टम, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पुलिस डिपार्टमेंट। दूसरी तरफ आप एक तरफ पुलिस को जबरदस्ती कर रहे हैं पब्लिक को, यू आर एनफोर्सिंग वन लॉ, ऑन दी अदर साइड दूसरे तरफ पे आपके पूरे कोई एक पुलिस वाला बताओ आप जो मेरे को हेलमेट पहन के फिरता। अगर कोई नंबर प्लेट पे एक बच्चे को गिरफ्तार किए थे सैदाबाद पुलिस स्टेशन में बगैर नंबर प्लेट, तो बोले कि उसको हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि उन्हें आतंकवादी है क्या बोल के। कितने सब इंस्पेक्टर्स मेरे कहने प्रूफ है बताइए जो बगैर नंबर प्लेट, विदाउट नंबर प्लेट, दे आर मूविंग ऑन दी रोड। तो खानून सबके लिए एक है, तो हम एक किक स्टार्ट किए वन प्रोग्राम के, आप जो कानून नाफिज कर रहे हैं पहले आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करिए। कितने पुलिस के ऑफिसर्स के ड्राइवर, कितने DCPs के, कितने IPS ऑफिसर्स के ड्राइवर बेल्ट लगा के गाड़ी चलाते या बाजू सीट पे बैठने वाला। एक शादी में मेरे पास हुमायूं नगर पे,
हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के सामने शादी खाने से एक वाइफ एंड हस्बैंड निकल के जा रहे हैं। बेल्ट नहीं लगाए बोल के आप उनको 700 रुपीज चालान कर दिए, रात के 11 बजे चालान आ रहा उनको बेल्ट नहीं लगाए बोल के। तो आप अगर कोई अच्छा ही करना चाह रहे हैं पब्लिक के लिए तो उसका एक तरीका होता, पब्लिक में अवेयरनेस लाओ, रोड अच्छे करो। आप मेरे को ये बोलिए कि कितने जो आपके ये स्टाफ सिस्टम है यहाँ पर जो लाइट्स है क्रॉस रोड पे कितने काम कर रहे हैं बताइए। 70% ऑफ दी स्टॉप के जो लाइट्स है शहर में काम नहीं कर रहे, जीएचएमसी उसको मेंटेन नहीं कर रही, गलती से उन्हें रोड क्रॉस कर दे रहा। और आपके ओवर स्पीड लिमिट बंजारा हिल रोड पे जो केबीआर पार्क पे है, एक आदमी अगर ओवर स्पीड करा तो आप उसको जो है 1400 रुपए आप मार दिए चालान उसको। सर आप इस कानून से इतना बदहम क्यों है, इतना पुलिस के ऊपर आपको गुस्सा क्यों आ रहा कि आप बार बार पूरे शहर के अंदर सोशल मीडिया में आप वायरल भी कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा फिर आप पुलिस के खिलाफ? देखिए 75-80% तो पब्लिक हेलमेट पहन रही, कानून को इम्प्लीमेंट कर रही, वो ट्रैफिक के रूल्स के फेवर में जा रही, मगर आपकी बदहमी कहीं ना कहीं एक न्यूसेंस एक लानर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही ना सर। नहीं नहीं आप देखिए एक अमजदुल्ला खान ये इशू नहीं कर सकता, मेरे को पब्लिक का सपोर्ट है तो पब्लिक बदजन है बोल के मेरे को पब्लिक का सपोर्ट आ रहा ना। वो जो पुलिस वाले जो सर आप पब्लिक के तो सिपे सवार बने हैं सर, इसलिए तो आपको पब्लिक भी जा रही है। खालिद खान जैसे शख्स पर भी जाएंगे तो पूरे शहर में वायरल हो जाएंगे आप, ये आज पूरा डिपार्टमेंट भी जानते हैं ना सर, कहीं ना कहीं न्यूसेंस हो रहा ना। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट देम फॉलो द लॉ, पहले उनको कानून आप मानिए। कितने पुलिस के गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं है बताइए, कितने पुलिस वाले हेलमेट नहीं पहनते। कानून क्या खाली कॉमन सिटीजन के लिए है बताइए? क्या दिस पॉइंट्स आर, ये पॉइंट्स का जो कानून लाए आप जो लॉ लाए इट इज ओनली फॉर दी जनरल पब्लिक, आप बताइए भाई क्या पुलिस वाले कानून के ऊपर है बताइए? एनी पुलिस ऑफिसर इज अबाउट द लॉ, कोई ऐसा कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है बताइए आप मेरे को? सो फर्स्ट दे प्रैक्टिस देन यू प्रीच, पहले आप कानून में आइए, कानून के दायरे में आइए। आप पहले हेलमेट पहनिए, आप पहले रॉन्ग साइड मारना बंद करिए, आप पहले स्टॉप तोड़ना बंद करिए, आपके पूरे गाड़ियों पे नंबर प्लेट लाइए। तो मॉरल साइंस शुड स्टार्ट फ्रॉम द होम, मॉरल साइंस आप जो दूसरों को पढ़ा रही पहले आप उस पर अमल करिए साहब। आप पहले जितने आप बोलिए, मेरे पास आज 5 फोटोस आए पुलिस ऑफिसर्स के जो बेटे हैं दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉ। तो आप पहले घर में तो कानून समझाइए ना, पहले आप पहले देखिए। अगर अमजदुल्लाह खान कानून पर अमजदुल्लाह खान अगर कानून मानेगा तो अमजदुल्लाह खान को चाहने वाले पूरे कानून मानेंगे ना। तो हमारा मैं अगेन आई वॉन्ट टू क्लियर, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी सिस्टम। मेरे भी फोर फादर्स पुलिस में थे, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा है जो कानून के नाम पर आप जो आवाम से जुलुम कर रहे हैं अंडर द गाइज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए लॉ यू आर फोर्सिंग ऑन द पर्सन, उनको आप गैर जरूरी चालान करना बंद करो साहब। मैं सीएम साहब से अपील कर रहा हूँ, केसीआर साहब से, आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाइए, ये पॉइंट सिस्टम पे आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाइए। आपको ये रिपोर्ट नेगेटिव में आएंगी कि पब्लिक इससे बदजन है बोल के। व्हाई आर यू इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉइंट सिस्टम, ये बोलिए आप मेरे को। अच्छा फिर आप दूसरी रिपोर्ट मंगाइए कि ये लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज आर अबाइडिंग द लॉ और नॉट, आपको फिर रिपोर्ट आएंगी कि कोई भी ये कानून मान रहा है इसने यहाँ पर बोल के। आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पे जुलूम कर दे रहे हैं, ये कैसी बात है बोलिए आप।